పైకి చూడండి మేడం దిస్ ఇస్ హెవెన్ ఓ మై గాడ్ ఇట్ ఇస్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ వ్యూ कहने हम जंगल पार करके आने के बाद में ऐसी खूबसूरत नज़ारे दिखे और लगभग 7-8 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करने के बाद में ऐसी प्लेस मिला मुझे न्यू मॉडल हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो बहुत दिनों बाद मैं आपको सामने आ गया क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो पोस्ट नहीं किया और पोस्ट नहीं किया इसका कारण मेरी बाइक एक्सीडेंट हो गया और पोस्ट नहीं किया इसका कारण मेरी बाइक एक्सीडेंट हो गया था और एक छोटा भाई एक्सीडेंट कर दिया था, बाइक का बहुत नुकसान हुआ था। तो इतना दिन से मेरे पास बाइक नहीं था तो ऐसे भी मेरा बहुत नया एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि बाइक बिना जैसे कि आपको क्या बताऊं, इस साइड में जो जितना भी था पूरा शो वगैरह पूरा ख़त्म था। अभी कम से कम 15 दिन बाद मेरा बाइक मिल रहा है ये वाला, तो अभी घुमाने के लिए छोटा बाइक है, थोड़ा सा साइड में लेके आया। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है भाई? ठीक है। अच्छा अच्छा, 4 बजे निकलना था लेकिन 4 बजे निकल नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गया तो हमें फिर वापस जाना पड़ेगा। और एक बात तो है दोस्तों, जो असली बाइकर है उसको मतलब बाइक बिना पता चलता है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि मैं 2-5 दिन से ऑटो में बैठ बैठ के आपको लिफ्ट लेके आया और मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि जर्नी करना, ट्रैवल करना, एक बार मेडिकल, एक बार आपको रेस्टोरेंट तो जाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन तभी कर लिया और बाइक बिना बहुत परेशान हुआ 10-15 दिन से, तो फाइनली बाइक आ गया। और ऐसे भी टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, मैं किसी को पीछे बैठा था और भाई ने कोई कुत्ता को ठोक दिया था, मैं पीछे से गिर के मेरा काफ़ी चोट वगैरह लगा है, अभी तो बिल्कुल रिकवरी हो गया, अभी फ़िलहाल ठीक है। और मैंने ये ना पोस्ट किया फेसबुक में, ना यूट्यूब में दिखाया, कुछ भी नहीं किया। मेरा कैमरा में बहुत स्क्रैच आ गया, बाइक में भी बहुत नुकसान हुआ और ऊपर से मेरा भी हुआ। तो वो तो बढ़िया है, मेरा हेलमेट था जिसके लिए कुछ हुआ नहीं। हेलमेट में इधर देख सकते हैं आप, स्क्रैच लग गया, अगर हेलमेट नहीं होता तो मैं शायद डेड हो जाता मेरा। तो इसके लिए सबको बताता हूँ, भाई लोग हेलमेट यूज़ करो, सेफ राइड सेफ लाइफ। थैंक यू सो मच। ब्लॉग तो हालात तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल बुरा है और बुरा इसलिए है, मैं 8 दिन पहले बाइक का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था और अभी बाइक फिलहाल ठीक है, कहना 30,000 रुपये समथिंग लगा है। तो इस साइड पूरा ख़त्म था, ये थोड़ा बहुत स्क्रैच भी आ गया इसमें और नीचे डिस्क पैड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ब्रेक ये वाला नया लगाया मैंने, ये वाला पूरा ख़त्म था, साइलेंसर पूरा इधर से देखो थोड़ा सा बैंड हो गया इसमें। तो एक्सीडेंट क्योंकि मैं ऐसे भी किसी के पीछे नहीं बैठता और पीछे बैठने में बहुत डर लगता है, तो पता नहीं उस दिन क्यों कैसे मैं पीछे बैठ गया भाई का। और एक बात है, बाइक अगर कोई भी मांगता है तो मना भी नहीं कर सकते थे, भाई मत ले। तो उन्होंने बताया मुझे, दादा मुझे चलाना है बाइक, तो मैंने बोला ठीक है तो चला। और एक बात थी, उसका हेलमेट भी नहीं था, देखो क्या किस्मत है मेरी, उसका हेलमेट नहीं था, मैं हेलमेट पहन के बैठा था और जितना भी चोट लगा मेरा लगा, बैक साइड में थोड़ा सा पेन है अभी भी और काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है और रिकवरी होने में थोड़ा सा टाइम तो लगा है, आज 8-9 दिन हो रहा है, तो 8-9 दिन में काफ़ी हालात ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो उम्मीद करता हूँ दोबारा मैं किसी का भी पीछे नहीं बैठूँगा, स्पेशली बाइक में, और ऐसे भी मैं जिसके ऊपर भरोसा नहीं है उसका पीछे कभी नहीं बैठता। अब पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, मेरा बाइक मंगा मैं पीछे बैठ गया, शायद अनलकी डे था उस दिन। और अभी थोड़ा सा ठीक है, मैं अब ए हेलमेट
हेलमेट में इतना सा स्क्रैच लगा और इधर थोड़ा सा लगा। अगर रियली अगर हेलमेट नहीं होता तो मैं मेरा डेट हो जाता, तो कैसे भी हो बच गया, किस्मत अच्छा है मेरी तो। और बाइक भी अभी सही सलामत है, अभी काफ़ी पैसा खर्चा करने के बाद में अभी चलाने के लायक हुआ। तो मैं ज़िंदगी में पहली बार 5-6 दिन तक मैंने ऑटो में ट्रैवल किया, और जीप में बैठ के, बस में बैठ के मैं 7-8 किलोमीटर जो मेरा मेडिकल एंड होटल का डिस्टेंस है, तो मैं 7-8 दिन बस जीप ऑटो में बैठ के, नहीं तो किसी को लिप लेके मैं मेडिकल तक आया। तो मेरी लाइफ का बहुत मतलब ख़तरनाक दिन है, क्या बताऊँ, मतलब एक्सपीरियंस बहुत हुआ है एक्सीडेंट करने के बाद में। जो अगर एक बाइकर बाइक बिना जब चलता है कैसे लगता है, ये भी एक्सपीरियंस हो गया। वो बोलता है ना, एक्सपीरियंस नेवर डाई, तो एक्सपीरियंस कभी ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग बाहर चलता हूँ, घूमता हूँ, तभी कुछ सीख पाता हूँ। और दूसरी बात, हम जब एक्सीडेंट भी करता हो, एक्सीडेंट करने के बाद में भी कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो आई होप छोटी मोटी एक्सीडेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, हर राइडर सुधर जाता है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखता है कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो आप लोगों को भी बताऊँगा, प्लीज़ सेफ राइड सेफ लाइफ। अगर बाइक चलाना है तो थोड़ा धीरे, ज़्यादा ज़ोर से व धीरे का बात नहीं बोलूँगा मैं, जैसे भी हो किसी को ओवरटेक करना है, आगे कोई कुत्ता आ जाए, कुछ छोटी मोटी कोई जानवर आ जाए, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना, नहीं तो ज़िंदगी एक ही है, बार बार ज़िंदगी नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माई गाइस, लव यू।